नमस्ते स्टूडेंट्स, आई एम सपना गुप्ता एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ज्योमेट्री, दैट इज स्लोप ऑफ ए लाइन. सो स्टूडेंट, बिफोर स्टडिंग अबाउट स्लोप ऑफ ए लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट ए वेरी शॉर्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लिनेशन. Inclination of a line means an angle which represents direction of that line. So let us see what is definition of inclination of a line. Inclination, that is theta, it is an angle made by a line which with positive direction of x-axis. Okay, so ek line positive x-axis ke saath jitna angle banati hai and that angle should be measured in anti-clockwise direction is called inclination of that line. Right students? तो इंक्लिनेशन मतलब एंगल, एक वो एंगल जो उस लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा एंड इट इज डिफाइंड एज दैट एंगल विच दैट लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. राइट स्टूडेंट्स, सो लेट अस सी, सपोज ठीक है, वी हैव ए लाइन लाइक दिस. ओके, सो दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस. राइट, टू दिस एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस एंगल थीटा is called inclination, inclination of line L. Right students, if this line is L, or we can say if we have line like this. Okay, agar aapke paas suppose line aise hai, so this is positive x-axis, so this angle theta measured in anti-clockwise direction, this angle theta is called inclination, inclination of line L. Right students? Okay. Now, if we talk about theta, अगर हम theta की बात करें तो theta की minimum और maximum value की बात करें तो here theta can take minimum value 0 and maximum value 180 degree. So 0 less than or equal to theta, less than or equal to 180 degree. Right students? क्योंकि यहाँ पे जो minimum है, अगर हम उस line की बात करें, अगर वो line x-axis के साथ ही coincide कर गई है या x-axis के parallel है तो angle will be 0. ओके, उसके बाद जो लाइन है आपकी इस तरीके से रोटेट करके जो मैक्सिमम जो एंगल बना सकती है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट कैन बी 180 डिग्री. राइट स्टूडेंट्स, सो रेंज ऑफ इंक्लिनेशन विल बी फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री. ओके स्टूडेंट, नाउ वी कम टू अवर मेन कॉन्सेप्ट, दैट इज स्लोप ऑफ ए लाइन. ओके, सो कम टू स्लोप ऑफ ए लाइन. सो स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन, देयर इज ए नंबर एसोसिएटेड विद दैट लाइन एंड दैट नंबर इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द गिवन लाइन. So now let us try to understand what is the definition of slope of a line in terms of inclination, right? So slope of a line is defined as tangent of the inclination. Okay, slope मतलब ढलान, आप समझ सकते हैं, ठीक है. Slope मतलब ढलान किसी भी line की, okay, जो कि इसकी direction को represent करेगी, right? So slope of a line is defined as the tangent of the inclination. It means किसी भी line का slope tangent of that angle होता है which that line makes with positive direction of x-axis. क्योंकि अभी हमने बात की कि inclination क्या होता है. Inclination means वो angle जो कि वो line positive x-axis के साथ बनाती है, तो उसी angle का जो tangent है that is called slope of that line. Right students? और slope के लिए यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ कि slope के लिए एक और word यहाँ पे use किया जाता है, that is gradient, gradient of a line. लेकिन जनरली हम स्लोप ही यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो ग्रेडियंट वर्ड भी यूज़ किया गया है, तो स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन. राइट स्टूडेंट्स, तो स्लोप इज ए नंबर, ओके, एंड इट इज डिफाइंड एज टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, दैट इट इज डिफाइंड टेंजेंट ऑफ द एंगल विच दैट लाइन मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो अभी हमने बात की इंक्लिनेशन को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, स्लोप के लिए हम स्मॉल एम यूज़ करते हैं, तो स्मॉल एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. राइट, स्लोप के लिए हम स्मॉल एम यूज करते हैं. राइट स्टूडेंट्स, तो अगर हमें किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है. इट मीन्स व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ दैट लाइन. ओके, तो अगर हमें इंक्लिनेशन पता चल जाएगा तो टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन विल गिव स्लोप ऑफ दैट लाइन. राइट स्टूडेंट्स, ओके, नाउ कम टू स्लोप ऑफ लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन्स. अभी हम बात करेंगे उन लाइन्स के स्लोप्स की जो या तो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, और जो एंड स्टूडेंट्स वी नो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं. राइट स्टूडेंट्स, तो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी, ओके, ऑल दीज लाइंस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यू कैन सी कि सभी लाइंस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जीरो डिग्री एंगल बना रही हैं.
क्योंकि कभी कॉन्साइड ही नहीं करेंगे एक्स एक्सिस के साथ, कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे एक्स एक्सिस के साथ, राइट स्टूडेंट. तो इनका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल जो बनेगा डैट विल बी जीरो. तो थीटा यहाँ पे जीरो होगा इस केस में, तो स्लोप क्या आ जाएगा, एम इज इक्वल टू टेंजेंट जीरो डिग्री इज इक्वल टू जीरो, राइट स्टूडेंट्स. तो हॉरिजॉन्टल लाइंस का स्लोप हमेशा जीरो होता है. नाउ लेट अस कम टू स्लोप ऑफ लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस और वर्टिकल लाइंस. ओके, जो लाइंस वाई एक्सिस के पैरेलल हो लाइक दिस, ठीक है, ये सभी लाइंस आपको नजर आ रही है, वाई एक्सिस के पैरेलल है. तो यू कैन सी कि जितनी भी लाइंस हैं ये सभी एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है, 90 डिग्री एंगल, राइट स्टूडेंट्स. तो इन दिस केस इंक्लिनेशन विल बी 90 डिग्री. तो अगर इंक्लिनेशन 90 डिग्री है, सो इट मीन स्लोप विल बी एम इज इक्वल टू टेंजेंट 90 डिग्री, एंड वी नो टेंजेंट 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, सो विल बी नॉट डिफाइंड, स्लोप विल बी नॉट डिफाइंड. तो इट मीन्स यहाँ से हमारे पास एक बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, डेट इज जो स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन्स है इट इज़ नॉट डिफाइंड, राइट स्टूडेंट. तो वर्टिकल लाइन्स का जो स्लोप है वो डिफाइंड नहीं होता, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स का जो स्लोप है वो जीरो होता है. एक्स एक्सिस का स्लोप भी जीरो होगा क्योंकि जो एक्स एक्सिस है वो खुद के साथ ही जीरो डिग्री एंगल बनाएगी, तो डेट्स वाई उसका भी स्लोप क्या होगा, जीरो. और वाई एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है, डेट्स वाई वाई एक्सिस का स्लोप भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड. तो वाई एक्सिस और वो सभी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल होंगी उनका स्लोप नॉट डिफाइंड होगा, एंड एक्स एक्सिस एंड वो सभी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी उनका स्लोप जीरो होगा, राइट स्टूडेंट्स. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन. ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन यू से रिगार्डिंग इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इफ इट्स स्लोप इज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो. हम एक लाइन के स्लोप का साइन मालूम है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ठीक है. हमें बताना है अबाउट इंक्लिनेशन ऑफ दैट लाइन, थीटा के बारे में हमें बताना है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट केस में आपको जो स्लोप है वो पॉजिटिव गिवन है, मतलब m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव, एंड वी नो थीटा लाइज इन बिटवीन 0 to 180 डिग्री, इट मीन फर्स्ट टू क्वाड्रेंट्स में लाई करता है. तो यहाँ पे अगर टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है तो इट मीन थीटा विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब वो 90 से छोटा होगा, सो थीटा विल बी एक्यूट. सो दिस इम्प्लाइज थीटा इज एक्यूट हियर, इन फर्स्ट केस आवर इंक्लिनेशन विल बी एक्यूट, राइट. नाउ लेट अस कम टू सेकंड केस. नाउ स्लोप इज नेगेटिव, दैट इज m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव. अगर टेंजेंट थीटा नेगेटिव है इट मींस थीटा विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा विल बी एन ऑब्ट्यूस एंगल, इंक्लिनेशन विल बी ऑब्ट्यूस. तो दिस इंप्लाइज थीटा इज ऑब्ट्यूस, राइट. एंड नाउ कम टू थर्ड केस, स्लोप इज जीरो, दैट इज m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू जीरो. सो दिस इम्प्लाइज थीटा या तो हमारा 0 डिग्री होगा और 180 डिग्री, बिकॉज टेंजेंट 0 भी 0 होता है एंड टेंजेंट 180 डिग्री इज ऑल्सो 0, राइट स्टूडेंट्स. नाउ लेट अस कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड स्लोप ऑफ लाइन. आपको लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है एंड इंक्लिनेशन इज गिवन. तो स्टूडेंट इट इज वेरी सिंपल, इंक्लिनेशन आपको गिवन है, m आपको फाइंड आउट करना है, एंड वी नो m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. तो बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन. In first case, theta is 45. So, m is equal to tangent 45 degree, it will be 1. Second case, in second case, m is equal to tangent 60 degree. So, slope will be root 3. In third case, m is equal to tangent 90 degree. That is, slope is not defined. Right? And in fourth case, m is equal to tangent 150 degree. That is tangent 180 degree minus 30 degree. 180 minus second quadrant. And second quadrant 10 is negative. Minus tangent 30 degree. That is minus 1 by root 3. Right, students? So it is very simple. So now let us come to next question. And students, our next question is find inclination of line if its slope is. So abhi jo humne question kiya tha, usi ka hi bas ye reverse question hai. Is question mein ab aapko inclination find out karna hai. Aapko slope given hai. Aur previous question mein आपको स्लोप फाइंड आउट करना था, आपको इंक्लिनेशन गिवन था, राइट. चलिए तो सबसे पहले इन फर्स्ट केस स्लोप इज 1, दैट इज m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1. सो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, इंक्लिनेशन विल बी 45 डिग्री. सेकंड केस m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू रूट 3. सो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट. इट इज वेरी सिंपल. एंड थर्ड केस नाउ इट इज़ वेरी सिंपल, आपका स्लोप नॉट डिफाइंड है तो इट मीन्स इंक्लिनेशन विल बी 90 डिग्री, राइट. तो फ्रॉम हियर वी कैन डायरेक्टली राइट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इंक्लिनेशन विल बी 90 डिग्री, राइट स्टूडेंट्स.
सो स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चंस की तरफ मूव करने से पहले अभी एक दो और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं. पहले उन रिजल्ट्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे. तो हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, डेट इज टू लाइन्स आर पैरलर. दिस इज अ सिंबल ऑफ पैरलर. हम पैरलर को ऐसे भी लिख सकते हैं, टू लाइन्स आर पैरलर इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल. राइट, इफ टू लाइन्स आर पैरलर तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे, और अगर टू लाइन के स्लोप्स इक्वल है तो इट मीन्स वो दोनों लाइन्स पैरलर हैं. राइट स्टूडेंट, तो जल्दी से इसका एक छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं. सपोज वी हैव टू लाइन्स. राइट स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है. यू कैन सी बोथ लाइन्स आर पैरलर. दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस. राइट, दिस इज लाइन एल वन, दिस इज लाइन L2. बोथ लाइन्स आर पैरलर. लेट दिस एंगल इज थीटा वन, दैट इज दिस इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L1 एंड दिस इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L2. एंड स्टूडेंट्स, वी नो both angles will be equal because these two lines are parallel. L1 and L2 are parallel lines, so both angles are corresponding angles will be equal. So therefore theta 1 is equal to theta 2, and if two angles are equal then their tangents will be equal. Right, and if theta 1 is the inclination of line L1 then tangent theta 1 will be the slope of line L1. So we can write here m1 m1 matlab slope of line L1. And similarly if theta 2 is the inclination of line L2 then tangent theta 2 will be its slope. एंड वी कैन राइट इट एज M2. तो M1 यहाँ पे हमने लाइन L1 का स्लोप ले लिया है, और M2 को हमने ले लिया है L2 लाइन का स्लोप. तो स्टूडेंट्स, इट इज प्रूव्ड दैट M1 इज इक्वल टू M2, दैट इज इफ टू लाइन्स आर पैरलर देन देयर स्लोप्स आर इक्वल. राइट, ये क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा ये रिजल्ट यूज होने वाला है कि अगर टू लाइन्स पैरलर हैं तो उनके स्लोप्स हमें हमेशा क्या लेकर चलने हैं, इक्वल. राइट स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिलेटेड टू स्लोप इज two lines are perpendicular if and only if product of their slopes is -1. Right, agar aapke paas two lines perpendicular hain to unke slopes ka product -1 hoga, aur agar two lines ka slope ka product agar -1 hai it means both lines are perpendicular. Right students, chale dekhte hain iska proof ki agar aapke paas two lines perpendicular hain to unke slopes ka product -1 kaise hoga. Yes, so let we have two lines, let this one line is this like this and second line is this, this is x axis, and let both lines are perpendicular to each other. Let this angle is 90 degree, let this line is L1, let this line is L2. Right students, and now let first line makes theta 1 with positive x axis, and let second line makes theta 2 with second axis with positive x axis. It means theta 1 is inclination of line L1 and theta 2 is inclination of line L2. Right students, and we know that this triangle is ABC. Okay, and we know in triangle ABC exterior angle matlab theta 1, we know theta 1 is always equal to sum of interior opposite angles, that is 90 degree plus theta 2. Right students, and if both angles are equal then their tangent will be equal, that is tangent and theta 1 is equal to tangent 90 plus theta 2. Right, 90 plus second quadrant, and in second quadrant 10 is negative, but kyunki 90 hai to 10 cot mein change ho jayega, minus cot theta 2, and we can write it as 1 by tangent theta 2 cross multiply. So tangent theta 1 into tangent theta 2 is equal to minus 1, and this implies if theta 1 is inclination of line L1, so tangent theta 1 will be slope of line L1, and we can write it as M1. And theta 2 is the inclination of line L2, so therefore tangent theta 2 will be the slope of line L2, or we can write it as M2. So it is proved that M1 into M2 is equal to minus 1, that is slopes of two perpendicular lines, that is product of slopes of two perpendicular lines is equal to minus 1. Right student, so it is very important result that is two lines are perpendicular if and only if product of their slopes is minus 1. So agar two lines perpendicular hai to unke slopes ka product minus 1 hoga, aur agar two lines parallel hai to unke slopes equal honge. Right student, let us move further. So students, abhi humne baat ki, humne slope find out kiye lines ke aur hume inclination given hota tha. Right students, and students, now there is also another way to find slope of a line if it is given two points on that line. Right, अगर हमें उस लाइन पर टू पॉइंट्स गिवन है, इंक्लिनेशन के बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन अगर हमें उस लाइन पर टू पॉइंट्स गिवन है तो हमारे पास एक फॉर्मूला अवेलेबल है, उस फॉर्मूले की हेल्प से भी हम उस लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो लेट अस सी कि वो रिजल्ट क्या है. स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स. ओके, आपके पास एक लाइन है एंड आपको टू पॉइंट्स गिवन है, x1 y1 x2 y2. लाइन पास करती है x1 y1 x2 y2 से.
राइट, तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा? देर इज अ फॉर्मूला दैट इज वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एंड इट्स प्रूफ इज नॉट इन योर सीबीएसई पार्ट, डेट्स वाई आपने सिर्फ रिजल्ट को यूज रख इस रिजल्ट को ही आपने याद रखना है, डेट इज एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. राइट स्टूडेंट्स, तो लेट अस इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करना है. आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि फाइंड फाइंड स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, आपके दो पॉइंट्स गिवन हो सकते हैं 1, 2, 5, 7. राइट स्टूडेंट्स, आपको उस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है. तो इट इज लाइक एक्स वन वाई वन, या आपके पास एक्स वन वाई वन है और ये आपके पास एक्स टू वाई टू है. राइट, तो वट विल बी स्लोप एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, इट इज 7 - 2, 5. ओके, 7 - 2, 5 अपॉन 5 - 1, 4, डेट इज वाई टू माइनस वाई वन. इसको ऐसे लिखा हमने वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, डेट इज 5/4. सो इट विल बी स्लोप ऑफ दिस लाइन. सो इट इज़ वेरी सिंपल, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन ऑल्सो फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन इफ इट इज गिवन टू पॉइंट्स ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन. राइट स्टूडेंट, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन. नाउ वी विल डू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव लाइन्स ज्वाइनिंग ए एंड बी, A35, B58 and C7-1, D5-4 are parallel. It means we have to show lines AB and CD are parallel. AB और CD को हमें parallel show करना है. A35, B58, C7-1 and D5-4. तो students, इन दोनों lines को हमें parallel show करना है. और अभी हमने result पढ़ा कि if the slope of two lines are equal, then it means both lines will be parallel. Right students, तो हमने यहाँ पे क्या show करना है, slope of AB is equal to slope of CD. दोनों के slopes find out कर लेते हैं और check कर लेते हैं क्या वो दोनों equal हैं. चलिए, so first of all slope of AB is equal to 8-5, 3 upon 5-3, 2, it will be 3/2. Okay, slope of CD y2-y1, that is -3 upon -2, it will be also 3/2. So slope of AB is equal to slope of CD, and so this implies AB is parallel to CD. Right students, let us move to our next question. So next question is, so students अभी हमने two lines को parallel show किया था और इस question में हमें two lines को perpendicular show करना है. So prove lines joining AB and CD are perpendicular. Right students, तो यहाँ पे हमें क्या show करना है, इन दोनों लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन ए बी A72, B4-3 एंड CD C-2, 5, D8-1. सो लेट अस सी कि यहाँ पे इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आता है. ओके, तो सबसे पहले ए बी का स्लोप फाइंड आउट करेंगे. -3, -2, इट विल बी -5. 4-7, इट विल बी -3. सो इट विल बी 5/3. राइट, नाउ स्लोप ऑफ सी डी -1, -5, -6 ओके अपॉन 8, इट विल बी +10. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं y2-y1 अपॉन x2-x1, सो इट विल बी -3/5. राइट फ्रेंड, लेट दिस इज m1, लेट दिस इज m2. ओके, नाउ लेट अस चेक कि m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 आता है. सो m1 इज 5/3, m2 इज -3/5. तो स्टूडेंट्स, यस इट इज -1, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, प्रोडक्ट विल बी -1. सो इट इज प्रूव्ड कि दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है. इट मीन्स बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. राइट स्टूडेंट्स, लेट अस मूव फर्दर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट दीज थ्री पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर. तो स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम अपनी जो लोअर क्लासेज है वहाँ पे प्रूव करते थे, लेकिन यहाँ हम स्लोप के कॉन्सेप्ट की हेल्प से प्रूव करेंगे कि थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो स्टूडेंट, यू कैन सी कि अगर आपके पास थ्री पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं, ठीक है, सपोज आपके पास ए बी सी ऐसे थ्री पॉइंट्स हैं, वो एक ही लाइन पर लाई करते हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे जो ए बी का स्लोप है वो बी सी के स्लोप के इक्वल होगा. ऑब्वियसली ए बी का स्लोप ए सी के स्लोप के इक्वल होगा. इट मीन्स इस लाइन के जितने भी आपके पास पार्ट्स बनते हैं, ए बी, बी सी, ए सी, बी सी, इन सभी का स्लोप सेम होगा, क्योंकि सभी के सभी एक ही लाइन के पार्ट हैं. राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या काम करने वाले हैं, हम स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं. स्लोप ऑफ ए बी, सो स्लोप ऑफ ए बी विल बी y2-y1 अपॉन x2-x1, इट विल बी -1. नाउ स्लोप ऑफ बी सी, इट विल बी 4 upon -4, it will be again -1. So friends, you can see slope of AB is equal to slope of BC. तो अगर AB और BC का स्लोप सेम है, देखो जनरली हम बात करते हैं अगर टू लाइंस का स्लोप सेम हो तो वो पैरेलल होगी. राइट स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे
ए बी और बी सी पैरेलल नहीं हो सकती बिकॉज हियर बी इज कॉमन इन बोथ लाइंस. राइट स्टूडेंट, इट मीन्स ए बी और बी सी कॉन्साइड करेंगी. ए बी और बी सी एक ही लाइन के पार्ट होंगे. इट मीन्स ए बी और सी तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करेंगे और इससे प्रूव हो जाएगा कि ए बी सी आर कोलीन है. सो दिस इम्प्लाइज ए बी एंड बी सी आर पार्ट्स ऑफ ए लाइन. ठीक है, एक ही लाइन के पार्ट्स है. सो दिस इम्प्लाइज ए बी सी आर कोलीनियर. राइट स्टूडेंट्स, लेट अस मूव फर्दर. सो लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन. आपको एक ऐसे लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है विच इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी. इट मीन्स विच इज पैरेलल टू ए बी. तो इट मीन्स स्टूडेंट्स, उस लाइन का स्लोप वही होगा जो ए बी का स्लोप होगा. सो लेट अस सी व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ ए बी. सो स्लोप ऑफ ए बी आपके पास आ गया. स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, यस, 6 - 2 = 4, 5 - 1 = 4 इज इक्वल टू 1. तो इट मीन्स स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन भी क्या होगा, 1, बिकॉज बोथ लाइन्स आर पैरेलल. राइट स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग ए बी. इस बार आपको जिस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है वो ए बी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए. तो सबसे पहले ए बी का स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं. ए बी का स्लोप क्या आएगा, 12 - 4 = 8, 2 - 6 - 4 इज इक्वल टू -2. राइट स्टूडेंट्स, और जिस लाइन का स्लोप हमें फाइंड आउट करना है उसका स्लोप हम m एज्यूम कर लेते हैं. ए बी का स्लोप -2 आ गया है. बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर. इट मीन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1. सो दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 1/2. इट मीन्स इस लाइन का जो स्लोप है वो आपके पास आ जाएगा 1/2. राइट स्टूडेंट्स, लेट अस मूव फर्दर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड y. आपको अननोन y फाइंड आउट करना है. Such that the line through 3y 2 7, line through 3y 2 7 is perpendicular to the line through -1 4 and 1 8. Okay, तो आपको given है कि 3y और 2 7 से पास होने वाली जो line है वो -1 4 और 1 8 से पास होने वाली line के perpendicular आपको given है. आपको y find out करना है. इट मीन्स हम क्या कंडीशन लेकर चलेंगे, क्योंकि बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 लेकर चलेंगे. राइट स्टूडेंट्स, इट मीन्स इसको हम यहाँ पे नेमिंग दे देते हैं. लेट दिस इज ए बी, लेट दिस इज सी डी. ओके, लेट स्लोप ऑफ ए बी इज m1, लेट स्लोप ऑफ सी डी इज m2. तो m1 × m2 इज इक्वल टू -1. यहाँ पे हम कंडीशन लेकर चलेंगे. राइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले m1 फाइंड आउट कर लेते हैं. डेट इज स्लोप ऑफ ए बी. सो इट विल बी 7 - y / 2 - 3 - 1. नाउ m2 हो जाएगा आपके पास 4/2 इज इक्वल टू -1. नाउ इसको बहुत सिंपली बस आपने सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा. तो 7 - y / 2 इज इक्वल टू 1, इधर जाके 1 हो जाएगा. डेट इज 14 - 2y इज इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज 2y इज इक्वल टू 13 एंड दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 13/2. राइट स्टूडेंट्स, सो इट इज वेरी सिंपल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, If a line is equally inclined to x-axis and y-axis, अगर कोई लाइन x-axis और y-axis दोनों के साथ इक्वल एंगल बनाती है तो आपको ये प्रूव करना है कि उसका जो स्लोप है वो +-1 होता है. तो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे 2 केस अराइज करेंगे जब कोई लाइन दोनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाएगी. लेट अस सी फर्स्ट केस कैसे हो सकता है. वो लाइन ऐसे हो सकती है, दिस एंगल इज 90 डिग्री. तो यू कैन सी दिस इज 45 डिग्री, दिस इज आल्सो 45. ओके, this will be 135 degree. okay, and this will be 135 degree. so you can see in this case jo line hai, this line, okay, this is line, this line makes equal angles. agar hum interior ki taraf dekhe, andar ki taraf dekhe, tab bhi same angle 45 45 bana rahi hai. exterior dekhe tab bhi 135 135 degree. to ye hamara first case ho gaya. second case aur kaise ho sakta hai. second, agar suppose aapki line aise second quadrant mein hai tab bhi same case rahenge. this angle is 45 degree, this is 45 degree. okay, this is 90 degree, this is 135 degree. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दोनों एक्सिस के साथ ये लाइन इक्वल एंगल्स बना रही है. राइट, दिस इज लाइन, राइट. बट इन बोथ केसेस हमारा इंक्लिनेशन चेंज हो गया. अगर हम फर्स्ट केस देखें तो फर्स्ट केस में व्हाट इज इंक्लिनेशन, ये जो लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस,
कितना एंगल बना रही है 135 डिग्री हियर थीटा इज 135 डिग्री सो व्हाट विल बी स्लोप m इज इक्वल टू टेंजेंट 135 डिग्री दैट इज टेंजेंट 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री दैट इज माइनस टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 1 तो फर्स्ट केस में जो स्लोप है वो होगा आपके पास माइनस 1 क्योंकि इंक्लिनेशन है 135 डिग्री कम टू सेकंड केस में ये लाइन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है What is inclination? In this case, inclination is 45 degree. So, theta is 45 degree. So, that's why slope will be m is equal to tangent 45 degree is equal to 1. So, students, you can say slope can be plus 1 or minus 1. So, we can say if a line is equally inclined to both x-axis and y-axis, then its slope is plus minus 1. And it is very important result. Aap isko as a formula bhi yaad kar sakte hain. Right, students? So, students, it is all about our today's topic, that is slope of a line. And in the next lecture, we will meet with our next topic. Thank you.